कहते हैं कुछ चीजें कभी कभी इतनी ज्यादा परफेक्ट बन जाती हैं कि उन्हें दोबारा रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, जैसे कि मेरी कार और वन पंच मैन। देखिए, मैं पहले ही बता दूं, वन पंच मैन मेरे सबसे पसंदीदा एनिमे में से एक है, और जब मैं ऐसा कभी भी कहता हूं तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते, लाइक नो यू कैंट लाइक वन पंच मैन, वन पंच मैन सक्स, वॉच साइंस गेट, इट इज सो मच बेटर। हाँ, मैं साइंस गेट देखता हूं, एंड यस इट इज बेटर, बट कंपेयरिंग साइंस गेट टू वन पंच मैन इज लाइक कंपेयरिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टू अ स्क्रू ड्राइवर। दे बोथ सर्व डिफरेंट पर्पस, और एक शो को जज करते वक्त भी हम यही गलती कर बैठते हैं। मेरे ख्याल से एक शो में हमें सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए जो वो हमें दिखाना चाहता है, और वन पंच मैन के केस में वो चीज है एग्जीक्यूशन। ओके, अगर आपने वन पंच मैन नहीं देखा है और देखने का प्लान भी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुनिया का कोई इंसान आपको बोलकर ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इस एनिमे का एग्जीक्यूशन लेवल क्या है। मैड हाउस एक ऐसा स्टूडियो है जो सिर्फ अपने काम की वजह से जाना जाता है, बट फिर भी अगर हम मैड हाउस के स्टैंडर्ड से भी देखें तब भी वन पंच मैन के एनिमेशन कम्प्लीटली ऑफ चार्ट्स हैं। लोगों ने तो रूमर्स तक फैलाने शुरू कर दिए थे कि मैड हाउस के पास वन पंच मैन के लिए दुनिया भर का बजट है, जिसे बाद में मैड हाउस ने डिबंक भी किया था कि नहीं, वन पंच मैन का बजट काफी ज्यादा एवरेज है, और अगर कोई चीज एक्स्ट्रा पड़ी है इस एनिमे में तो वो है सोल। स्टूडियो मैड हाउस ने जान फूंक दी थी, जिसका फल उन्हें बाद में मिला क्रिटिकली और कमर्शियली। वन पंच मैन 2015 का बिगेस्ट फॉल बन गया। ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि मैं एक बच्चे से मिला था यार, उसने ये वाली तस्वीर देखकर ही बता दिया कि वन पंच मैन। खैर, फन फैक्ट, क्या आपको पता है वन पंच मैन के इनक्रेडिबल एनिमेशंस के पीछे बोन्स का बहुत बड़ा हाथ है? जी हाँ, वही बोन्स जो माय हीरो एकेडमिया और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड जैसे लेजेंडरी एनिमे के लिए जाना जाता है। तो बात ये थी कि मैड हाउस तो है ही परफेक्ट, बट बैटल सीक्वेंस क्रिएट करने के मामले में बोन्स का कोई जवाब नहीं, और यही वजह है कि मैड हाउस ने काफी सारा बोन्स का स्टाफ हायर किया था वन पंच मैन को बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो की तरफ। तो इस शो की एक बहुत बड़ी खासियत है इसके जॉनर में, पैरोडी। वन पंच मैन इज एन एग्जाम्पल कि हर पैरोडी मजाक नहीं होती। तो जिन्हें पैरोडी का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, किसी भी मूवी, टीवी शो या एनिमे से थोड़े थोड़े एलिमेंट्स लेकर उनकी तरफ इशारा करते हुए अगर हम कोई नया कंटेंट बनाते हैं तो उसे पैरोडी कहा जाता है, जो कि सिर्फ मजाक तक ही लिमिटेड होता है। बट वन पंच मैन इज एन एक्सेप्शन। वो फाइट सीन्स की इंस्पिरेशन आजकल के मेन स्ट्रीम शोनन से ही लेता है, बट उनसे भी 10 गुना ज्यादा तगड़े फाइट सीन्स क्रिएट करता है। वो मेन स्ट्रीम शोनन से इमोशनल मूवमेंट्स लेता है और उन्हें बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे करता है। तो एक तरह से वन पंच मैन मेनस्ट्रीम शोनन का मजाक ना बनाते हुए उन्हें सिखाता है कि एक क्वालिटी एनिमे किसे कहते हैं। जहां तक मैंने अभी देखा है, वन पंच मैन की अपनी कोई स्टोरी नहीं है, वो दूसरे एनिमे से ही मूवमेंट्स लेकर उन्हें काफी परफेक्शन के साथ रिक्रिएट करता है। वन पंच मैन पर मेहनत करना स्टूडियो मैड हाउस के लिए गैम्बलिंग जैसा भी था। एक वेब मांगा की अडेप्टेशन के लिए मैड हाउस ने जापान के सम ऑफ द बेस्ट एनिमेशन डायरेक्टर्स को काम पर लगा दिया, और जो रिजल्ट निकला वो इस बात का सबूत था कि मेहनत का फल सभी को मिलता है। वन पंच मैन के एक एक एपिसोड में उसे बनाने वाले की मेहनत दिखाई देती है। ये एक लौता ऐसा 12 एपिसोड का एनिमे है जिसके कैरेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे बात करें साइतामा, जेनोस या फिर नहीं बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस एनिमे के सेकंड सीजन की। तो आप सभी जानते हैं कि मैड हाउस अब वन पंच मैन पर काम नहीं कर रहा है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। वन पंच मैन का सब कुछ उसकी एग्जीक्यूशन में ही था, और अब जो उसके पूर्व कारागिरों ने हाथ खड़े कर लिए हैं तो ये काफी चिंता का विषय है। खैर, तो वन पंच मैन का अगला सीजन जेसी स्टाफ के हाथों में है, जिसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। उनका अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्शन मेरे ख्याल से शोकुगेकिनोसामा है, जो कि मैंने नहीं देखा है। जो मैंने देखा है वो है सर्टन मैजिकल इंडेक्स, जिसकी एनिमेशन काफी अच्छी है, बट वो वन पंच मैन जैसे एनिमे के लिए जरा भी काफी नहीं है। खैर, अगर अभी हम कुछ ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर जेसी स्टाफ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है तो कुछ सोच समझ कर ही ली होगी। खैर, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप जाकर वन पंच मैन देखिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, काफी अच्छा बिगिनर एनिमे है। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।